भारत जोड़ो यात्रा। जी हाँ, आपने सही सुना, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसे लीड कर रहे हैं राहुल गांधी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की ये यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। इसमें डेली 20 से 30 किलोमीटर एवरेज चलने का प्रोग्राम है। 50,000 सिटीजन से ज़्यादा ने इसमें रजिस्टर किया है। 150 दिन में पूरे होने वाली ये यात्रा 30 जनवरी के दिन ख़त्म होगी। तो किसने प्लान की है ये भारत जोड़ो यात्रा, किसका था आइडिया? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और हजारों की संख्या में पार्टी के वर्कर शामिल हैं इस यात्रा में। इसके चलते कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में रोक प्रति आरोप चल रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी की टी शर्ट पर सवाल उठाए, तो कांग्रेस ने भी मोदी जी की सूट पे सवाल उठाए। खैर, ये तो हुई रोक प्रति आरोप की बात। अब आपको बता देंगे भारत जोड़ो यात्रा का आइडिया। पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का है। यात्रा का रूट, राहुल गांधी रास्ते में किन लोगों से मिलेंगे और जनसभाएं, ये सब दिग्विजय सिंह ने तय किया है। दिग्विजय सिंह को ऐसी यात्राओं का अनुभव है। लोग यात्रा को 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देख रहे हैं, पर पार्टी का कहना है कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं है। दरअसल 2014 के चुनाव के बाद पार्टी कमज़ोर होती जा रही है और इसी के चलते बहुत सारे नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी में जान डालने के लिए लोगों को जोड़ के रखना बहुत ज़रूरी है, और ऐसी यात्रा से पार्टी को कितना फ़ायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इस यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।